नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हम जानने वाले हैं 13 कदम जो ब्रज भूमि में आया है, वो जगह के दर्शन करेंगे और जानेंगे इनकी हिस्ट्री। तो दोस्तों, हमारे चैनल में आपको पूरे इंडिया के जो मंदिर है, हमारी इतना ही प्रयास है कि हम सब जगह जाके आपको घर से ही उनकी हिस्ट्री दे और उनके दर्शन कराए। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाए। दोस्तों, ये वही जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण कदम के वृक्ष पर बैठ के गोपियों को बुलाते थे, और यहां पे बुद्धम मध्य घोड़िय संप्रदाय के एक संत हो गए हैं। उनका नाम है रूप गोस्वामी जी महाराज, और यहां पे उनकी कुटीर बनाई गई है, और श्रीमती राधा रानी साक्षात उनको अपने हाथ से बनाई गई हुई खीर खिलाने आई थी। उनकी भी एक यहाँ पे हिस्ट्री है, और यह व्रजभूमि की बहुत ब्यूटीफुल जगह है, और आप यहाँ आओगे तो आपको बहुत ही शांति का अनुभव होता है। और यहाँ पे हम आपको कदम का जो पेड़ है उनके भी दर्शन कराएंगे। तो ये वही पेड़ है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा के गोपियों को बुलाते थे। तो ये जो कदम का झाड़ है, उनसे पहले आप अभी देख रहे हैं, वो श्याम कुंड है। तो भगवान यहाँ पे विराजमान रहते थे, इसीलिए इस कुंड का नाम श्याम कुंड पड़ गया। और श्याम कुंड के थोड़े ही आगे जाके अभी हम दर्शन करने वाले हैं कदम के पेड़ की। और दोस्तों, 5000 साल पुराना ये पेड़ आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। तो आप ये जगह पे जाए तो ये पूरे पूरी हिस्ट्री आपको हम दे रहे हैं, जिससे आप यहाँ पे घूमने जाते हो तो आपके लिए आसानी रहे। और दोस्तों, हम डिस्क्रिप्शन में ये जगह की लिंक भी डाल देंगे, जिनसे आप गूगल के माध्यम से यहाँ पे आ सके। और दोस्तों, अभी आप दर्शन कर रहे हैं वो कदम का पेड़, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कई लीलाएं रचाई है, और आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हो भगवान श्री कृष्ण के। तो बहुत ही अलौकिक और प्राचीन और ऐतिहासिक ये मंदिर है, तो आप यहाँ पे जरूर विजिट करें। और दोस्तों, यहाँ से अभी हम जा रहे हैं नंदगांव, और जानेंगे नंदगांव की हिस्ट्री। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं नंदगांव। और दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस को मालूम पड़ा कि कृष्ण का जन्म हो चुका है और ये देवकी की 8वीं संतान है, तो उसे मारने के लिए कंस अलग अलग राक्षसों को गोकुल भेजता था, और वही राक्षसों से नंदराज जी बहुत भयभीत हो गए, और उसने सोचा कि हमारा लल्ला यहाँ पे महफूज नहीं है। और उन्हीं की बदौलत उसने सोचा कि हम कहीं दूर जाके एक गांव बसाए। तो नंदराज जी यहाँ पे आए, और यहाँ को ये नंदराज जी को ये पहाड़ी बहुत पसंद आ गई, और पहाड़ी के ऊपर ही उसने बना डाला नंदगांव, जिसके आप दर्शन अभी कर सकते हो। तो नंदगांव बहुत ही अच्छी जगह है। नंदगांव से आप यहाँ के जो आजू बाजू के गांव है उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी पे बना हुआ अति दुर्लभ मंदिर है, और यहाँ पे आप बंदरों को भी देख सकते हो। और आपकी कोई चीज वस्तु है तो उसे आप ध्यान से रखें, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा बंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। और पूरे भारत का एक ऐसा अलौकिक ये मंदिर है, जहाँ पे आप भगवान श्री कृष्ण के साथ नंदराय जी, यशोदा माँ जी और बलराम जी को एक साथ विराजमान होते हुए देख सकते हो। और पूरे अजब और गजब तरीके से बनाया गया ये भव्य मंदिर एक अनोखी ही छाप यहाँ पे छोड़ जाता है। तो अभी आप ये मंदिर की जो किनारी है, वहाँ से पूरे गांव को अभी आप देख रहे हो। और आपको यहाँ जाना है तो हम गूगल मैप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आपको यहाँ जाने में कोई दिक्कत
ना रहे। और इनके अलावा हमने निधिवन की जो हिस्ट्री है उसका भी एक वीडियो बनाया है और हमारी चैनल पे रखा है, तो हम डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की भी लिंक डाल देंगे जिससे आपको घर बैठे निधिवन की जो हिस्ट्री है उनके बारे में पता चल पाए और उनके आप घर बैठे दर्शन कर पाओ। और दोस्तों हम स्पेशली थैंक्स कहते हैं हमारे बड़े भाई को जिनकी बदौलत ये वीडियो हम आपके पास पहुंचा सकते हैं। उसने ही पूरी वीडियो शूट की है और हमको यहाँ की इंफॉर्मेशन दी है, उनकी हिस्ट्री दी है, तो स्पेशल थैंक्स अमित भाई। और दोस्तों आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम उनका रिप्लाई देंगे आंसर आपको, जिससे आपको यहाँ आने में कोई कठिनाई ना रहे। चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को दबा देना जिससे हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिल पाए।